सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन की नींव रखेंगे पीएम मोदी। नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को देश की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन की नींव रखने जा रहे हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के मुताबिक यह देश की एक चौथाई आबादी को रसोई गैस की आपूर्ति करेगा। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्प IOC गुजरात तट से पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर तक गैस पाइपलाइन बिछाएगी। IOC गुजरात के कांडला में LPG आयात के बाद गैस को 1987 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन के जरिए अहमदाबाद, गुजरात, उज्जैन, भोपाल, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और लखनऊ, उत्तर प्रदेश होते हुए गोरखपुर तक पहुंचाएगी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह संभवतः दुनिया में सबसे लंबी LPG पाइपलाइन होगी और इसके निर्माण पर करीब 9000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पाइपलाइन से 3.75 मिलियन टन गैस हर साल गुजरेगी। पाइपलाइन में गैस कांडला पोर्ट के अलावा IOC के कोयाली रिफाइनरी गुजरात से डाला जाएगा। यह देश की सबसे लंबी रसोई गैस पाइपलाइन होगी। गेल इस समय गुजरात के जामनगर से दिल्ली के नजदीक लोनी तक 1415 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का संचालन कर रही है। गेल के पास 623 किलोमीटर लंबी विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद तक की पाइपलाइन भी है। इंडियन ऑयल की हरियाणा में पानीपत से जलंधर तक एक पाइपलाइन है। इसकी लंबाई 274 किलोमीटर है। प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री 24 फरवरी को पाइपलाइन परियोजना की आधारशिला रखेंगे। इस परियोजना के तैयार होने पर इसके रास्ते में पड़ने वाले सिलेंडर भरने वाली 22 इकाइयों को भी LPG की आपूर्ति की जाएगी।